हम खाना क्यों खाते हैं? अच्छी सेहत बनाने के लिए, जिससे हमारी सेहत अच्छी बने। खाने वेदों में लिखा गया है कि हमें अच्छा भोजन खाना चाहिए। हमारे भोजन में कई ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और ला सकूँ। आइए जानते हैं कि वो पांच चीज़ें क्या हैं जो हमें एक साथ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पहले नंबर पर है, हमें शहद और घी एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। शहद और घी खाने से हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसे कि सिर दर्द, उल्टी आना, जी मचलाना और पाचन शक्ति संबंधित जितने भी समस्याएं हैं वो हमें का हमें सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ है चाय और लहसुन। चाय और लहसुन हमें एक साथ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसमें उल्टी हो सकती है और हमारे जितने भी पेट संबंधी समस्याएं हैं हमें उनका सामना करना पड़ सकता है। तीसरी चीज़ है दूध और खट्टी चीज़ें। दूध और खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खा। खट्टी चीज़ जैसे कि किन्नू, मौसम्मी, इमली, ये सब हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इससे हमें बीमारियां लग सकती हैं, हमें उल्टी आ सकती है, जी मचला सकता है हमारा और पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। तीसरी चीज़ है, हमें लहसुन और चाय एक साथ बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। अगर हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ पीते हैं तो हमारे शरीर में वात संबंधित या खून आना, नाक से, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। चौथी चीज़ है, हमें दूध और मछली नहीं खानी चाहिए। अगर हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ खाते हैं तो हमें चमड़ी संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। पांचवी चीज़ है आलू। हरा आलू होता है वो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इससे हमें कब्ज संबंधी, पेट संबंधी और हाजमा संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे शरीर में जाकर ऐसे बैड बैक्टीरियाज पैदा करते हैं जो हमारे लिए जहर करते हैं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हमें अच्छे आहार खाने चाहिए जिससे हमारी सेहत अच्छी रहे और इन फ्यूचर हमें कोई भी बीमारी ना हो और कोई भी दवाई ना लेनी पड़े। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा।